बंसी सब सुर साधे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो राधे 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 राधे। मानो कसम गरे झूठे बोले हम, जड़ती जवानी भस्म हुई जाए। आपको बहुत कम देखने को मिलती है, सोशल मीडिया में भी नहीं आती है, लाइव भी नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ के खींच के लाए इनको हम आज। स्वामी मेरा परदेसा मेरी आप देख रहे हैं वाह दगड़िया JJN न्यूज के साथ। वाह दगड़िया हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ JJN न्यूज पर, सिर्फ JJN न्यूज पर। पहला उत्तराखंड स्वागत है आपका एक बार फिर से JJN न्यूज पे। आज मौजूद हैं हम फिर से एक बार अपना शो लेके आपके बीच, दगड़िया, वाह दगड़िया, और कमाल के आर्टिस्ट हमें आपको मिलाते हैं। तो आज की श्रृंखला में भी बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुमाऊनी के साथ साथ अलग कुछ और भी सुनने को हमें मिलेगा। सो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे कुमाऊँ के लोक गायिका, हमारे बीच में हैं राधा द्विवेदी जी। वेरी वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं लकी जो कि हल्द्वानी से ही हैं, आपका आज संगत पे साथ रहेंगे, गाते भी बहुत खूबसूरत हैं और वाकई चेहरा भी बहुत खूबसूरत है आपका। तो आज थोड़ा हंसी मजाक के साथ साथ गाने की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। मेरे साथ गिटार पे है सौरभ और मेरे साथ तबले में है अभिषेक। आज राधा द्विवेदी जी हमारे बीच में एक कॉम्बिनेशन लेके आई है, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या खास है आज ऐसा? इस कॉम्बिनेशन में मैंने हर तरीके की विधा को यूज़ किया है, सूफी भी है, गज़ल भी है, और साथ ही साथ इसमें पहाड़ी जो कुमाऊनी हमारा कल्चर है, संस्कृति है हमारी, उसको भी मैंने प्रेजेंट करने की सोची है। और एक सुंदर सा भजन जिसको हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम एक इसको गाएंगे और भगवान के चरणों में अपने सुरों को और अपने संगीत को और अपनी ताल को उनके चरणों में रखेंगे। तो आइए पहले भगवान को ही याद करते हैं और उसके बाद बातें करते हैं। जी बिल्कुल स्वागत। पहाड़ का पानी होता है कलकल बहता है, जिस तरह से आराध्या होती है राधा श्री कृष्णा की, और जुबैर अली तावीज़ का एक शेर है कि बंसी सब सुर साधे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो आज राधे राधे से शुरुआत हुई है। और वैसे आपकी हमारी मुलाकात भी अक्सर प्रोग्राम्स के दौरान होते रहती है, आप गाते बड़ा सुंदर हैं, हम सुनते बड़ा सुंदर हैं, तो कॉम्बिनेशन लगातार मिलते रहता है और मुलाकात भी हमारी ऐसे ही जो है संगीत से ही हुई। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ कि जब आप
आने वाले थे यहाँ, तो मैंने स्टाफ को बताया था और कुछ लोगों को मैंने वीडियोज भी दिखाई थी, तो वीडियोज मैंने उनको दिखाई तो बोला अच्छा ये मैम आ रही है। अच्छा। तो मतलब एक अलग सा माहौल उनमें दिखा कि हाँ चलो आज तो कुछ सुनने को मिलेगा, रोज न्यूज पढ़ते हैं आज कुछ अलग देखने को मिलेगा। जो मैंने उनको गाना सुनाया वो सुनाया था आपका कैले बाजी मुरली, तो जो उसमें आपने बीच में एक आलाप वगैरह लिए हैं तो खुद के क्रिएट किए हुए हैं जहाँ तक है, तो उनको बड़ा पसंद आ रहा था और उनकी डिमांड भी बड़ी अच्छी थी कि इसको उसको सुनना है। ये अधिकतर इस गाने की डिमांड मेरे से बहुत होती है, पता नहीं कुछ मिठास है या माँ सरस्वती का कुछ ऐसा वो है कि मुझे ऐसा लगता है इस गाने में माँ सरस्वती का कुछ वास है, क्योंकि ये हमारे जो महान गायक हैं गोपाल बाबू गोस्वामी जी का है, तो उनका कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है इस गाने में, उनकी एक छवि मुझे इसमें झलकती है। और मैं वाकई में जब इसको गाती हूँ तो मैं गोपाल बाबू गोस्वामी जी को ही सोच के ये गाती हूँ, तो मैं उनके चरणों में भी ये गाना हमेशा अर्पित करती हूँ कि मुझ पर अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और इस गाने की बार बार ऐसे ही लोग डिमांड करते रहे हैं और मैंने शायद थोड़ा सा इसमें अपना क्रिएशन दिया है, तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगी कि मैंने इसमें थोड़ा सा अपना क्रिएशन दिया है, तो जहाँ भी है आज वो, तो मैं उनके लिए ये स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल चनी चडाडू केले बजे मोरुली ओ बेना चनी चडाडू चिरी हली Oh, 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 oh,
ताल है कैला बजे मुरली ऊंचा नीचा डाणियों माँ। और वास्तव में पहाड़ हमारा बहुत ही खूबसूरत है और इस पहाड़ को खूबसूरत बनाते हैं ऐसे ही कुछ आवाज़, ऐसे ही कुछ चेहरे जो कि हमारी पहाड़ की जो ताजगी है उसमें ज़्यादा रंग घोल देते हैं। अपने बारे में कुछ बताएं, म्यूजिक के बारे में कुछ बताएं कि कैसे म्यूजिक की जो यात्रा है, जर्नी है, वो स्टार्ट हुई। म्यूजिक की यात्रा मेरी जो है बचपन से शौक तो है गाने का बहुत रहा है जी। हमेशा गाने का मतलब मैं जुड़ी रही हूँ किसी ना किसी तरीके से गाने से। पर हाँ, एक मंच नहीं मिला और एक मेरे गुरु नहीं मिली, लेकिन मुझे फिर मेरी वो मेरी सखा भी हैं, सखी भी हैं और मेरी गुरु भी हैं, तो डॉक्टर गुंजन जोशी के नेतृत्व में मैंने ये अपनी गायकी शुरू की है। उन्होंने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है और मैं हर जगह उनका उनके लिए ये बात कहती हूँ कि जो मैं आज हूँ, जो भी हूँ, मैं डॉक्टर गुंजन जोशी जी के उसमें ही हूँ और मैंने उन्हीं से ही ये सब चीज़ें सीखी हैं। उन्होंने ही मुझे मंच के लिए आगे प्रेरित किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं उनको उनके चरणों में मैं नमन अपना देती हूँ कि बस वो मुझ पर अपना ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखे। दोस्त से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, दोस्त से से ज़्यादा तो वो मेरे लिए गुरु को ही माने रखती हूँ मैं। बट वो दोस्ती के तौर पर भी जब मेरे को वो करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ना ही सिखाया है। क्या बात है, कमाल है। तो जब हमारी भी बात हो रही थी तो आपने कहा कि आज मैं पूरा कॉम्बिनेशन लेके आई हुई हूँ, उसमें गजल होगा, उसमें सूफी होंगे, उसमें अलग अलग तरीके तराने होंगे जी। और मेरे को भी लगता है कि हमारे दर्शक जो हैं वो ज़्यादा गाना सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जितनी मीठी आवाज़, जितनी सुरली आवाज़ आपके बोलने में है उससे कई गुना जो है वो गाने पे है, तो गाने पे ज़्यादा आज फोकस करेंगे अब। तो अब क्या सुनाने वाले हैं हमें? मैं आपको अब हमरी अटरिया पे सुनाना चाहूँगी। क्या बात है, ये एक ठुमरी भी है और राग भैरवी मिश्र पर है ये जी। अब थोड़ा क्लासिकल की तरफ बढ़ो जी। स्वागत है। जग से न कहियो, जग से न कहियो ये बात आपस की, जग सुनी है तो जुलम हुई जाए। हम मेरी अटरिया पे आ जाओ सवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हम मेरी अटरिया पे आ जाओ सवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हम मेरी अटरिया
वाह वाह, बिल्कुल अलग था ये तो, बिल्कुल जैसे कुमाऊनी हमने पहले सुना, उससे पहले भजन सुना, ये तो बिल्कुल ही अलग था जी। ये सच में कह सकते हैं कि बाद अगड़िया बाद अगड़िया बाद अगड़िया। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? फैमिली सपोर्ट बहुत ही बढ़िया, मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब लोग, खास तौर पे मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दीपांशु जी, क्योंकि आपने भी हमें इंक्रीज किया है हमेशा। हम मैं आपकी तारीफ में दो शब्द बोलना चाहती हूँ कि दीपांशु जी हर आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये ऐसी काबिलियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये आपका प्यार है कि इस तरह से हम लोग मिल पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आपस में भी जैसे ऑफ डी कैमरा है या कोई शो के दौरान है आपस में बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है आर्टिस्ट से मिलना, उनसे मुलाकात करना, और ये कारवा लगातार बढ़ते रहता है आर्टिस्ट का एकदम से जुड़ाव। आप जैसे खूबसूरत चेहरे हमारे बीच में आते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, या बातें आगे बढ़ती हैं। ठुमरी सुन ली जी, अब किस चीज़ की बारी है? अब मैं आपको अब हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे एक सुंदर सी गजल। तो सर मैं आपके सामने गजल पेश करते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करती है तुमको सनम। क्या बात है, गजल भी सुन ली अब हमने। तो आज पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब घर से पूरा एक पैकेज लेके आए हुए थे, पैकेज हाँ, पूरा एक फुल ऑन हाँ, किया आज तो रॉक करना है। जी बिल्कुल, वैसे आपका हर शो ही रॉक रहता है ज्यादा हमने सुना है। तो हिंदी गजल ठुमरी ये एक अलग तरह की विधा जी, उसके ही बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं कुमाऊनी, जहाँ पर उच्चारण बिल्कुल अलग है, जहाँ का जो बेस कहते हैं वो बिल्कुल अलग है, पैटर्न बिल्कुल अलग जी, है जी, जी। कुमाऊनी में कैसे आना हुआ? कुमाऊनी में मेरा आना, मेरे को जो है इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलूंगी देवूदा जी को, देवू पांगती जी,
उन्होंने मेरे को और संदीप सोनू जी का भी, उन्होंने जब मुझे सुना तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक बार फोक में जी हाँ ट्राई कीजिए, तो फिर मैंने भी नेकी और पूछ तो मैंने भी ट्राई किया उसके लिए जी। और मेरा पहला गाना आया था दीदीना जिंदगी छ, जो काफ़ी बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत प्यार दिया, तो मैं उन लोगों की सभी लोगों की आज इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मुझे ये मौका मिला कि मुझे इस चैनल से आज सबको धन्यवाद कहने का मौका मिला, क्योंकि मैं जो है सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कम रहती हूँ और तो मेरे को ये मिलने बहुत सही प्लेस मिल गया मुझे कि मैं आज इस माध्यम से सभी तक, जन जन तक ये अपना मैसेज दे सकूँ, धन्यवाद कह सकूँ उन लोगों को। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत की। टिकटॉक पे भी बहुत चला था वो गाना जी, वो गाना टिकटॉक पे भी बहुत चला था। जितने भी हमारे टिकटॉकर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, देख लीजिए राधा द्विवेदी जी ये हैं जिन्होंने दीदीना जिंदगी गाया है जी, जी। ये आपको बहुत कम देखने को मिलती है, सोशल मीडिया में भी नहीं आती है, लाइव भी नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ के खींच के लाए आज। कुमाऊनी इंडस्ट्री की बात करते हैं जब, तो बहुत सारे सिंगर्स आते हैं जी, तो आपके फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट है माया उपाध्याय जी। क्या बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, और अभी एक दो प्रोग्राम्स पे मुझे उनका आशीर्वाद भी मिला, उनका प्यार भी मिला, और वो बहुत ही स्वीट हैं। मतलब बहुत ही एकदम से कहें कि मतलब वो अगर जब आपसे मिलती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि हम उनसे किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत अपनत्व लगता है उनसे, तो मुझे तो बहुत पसंद आई हैं। <क्या बात? laughs> शायद वो इस प्रोग्राम को कभी देखेंगी तो मैं जरूर उन तक मेरा ये मैसेज, दिल की बात मेरी पहुंचेगी उन तक। वैसे हमारी बात चल रही थी, उनसे भी बीच पे बात भी हुई थी, वो बहुत जल्द आने वाली भी हैं। जी जी जी, तो उससे पहले आपका गीत उन तक पहुंचेगा। जी जी जी। तो माया उपाध्याय जी के लिए डेडिकेटेड कौन सा गीत है आपका? आज का दिन, आज का दिन तू होली घर पड़ा। जी जी। स्वागत है। Oh, oh, oh.
बनायो जंगाला घुगतिया भोला बनायो जंगाला चिट्ठी लिखा में के छंजर मंगाला चिट्ठी लिखा में के छंजर मंगाला घुट घुटो में थे बाटू निलागा घुट घुटो में के बाटू निलागा ओ याद आली स्वामी जी तुम मेरा इतना कमाल गाया इतना बेहतरीन गाया कि सौरभ भाई को लग रहा था कि किसी की याद आ गई है बिल्कुल बजाते बजाते उसमें खो से गए थे सौरभ भाई सौरभ भाई किसी की याद तो नहीं आई अच्छा ऐसा नहीं है ऐसा होना चाहिए यही तो उम्र है तो ये तो थोड़ा हंसी मजाक थी तो जेजेएन आप आए जी ब्रांड न्यू स्टूडियो हल्द्वानी पे है जी तो कैसा लगा यहाँ के बहुत अच्छा लगा बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब एक खुशी एक बड़ी अच्छी सी वाइब्रेशन आ रही है और लग रहा है कि बस गाते रहो और चुप नहीं हो तो बहुत अच्छा लगा मुझे जेजेएन पर अभी के लिए बस हम इस सफ़र को रोकना नहीं चाह रहे लेकिन क्या है कि समय की कुछ बाउंडेशंस हैं टाइम की कुछ लिमिटेशन है लेकिन मन कर रहा है कि लगातार सुनते रहें बैठे रहें तो अब आगे जो है मुलाकातें होते रहेंगी और लेकिन जाते जाते अब जा ही रहे हैं तो एक गीत और सुन लेते हैं जी बिल्कुल ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कुसूर है कि मुझे शराबी बना दिया कि मुझे शराबी बना दिया ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि मुझे शराबी बना दिया कि मुझे शराबी बना दिया ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये शराबी बना दिया मुझे तू शराबी बना दिया ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि मुझे शराबी बना दिया कि मुझे शराबी बना दिया शराब कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाजिश है पिलाई है जिस नजर से तूने पिलाई है जिस नजर से तूने कि मुझे को अपनी खबर नहीं है ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है मुझे शराबी बना दिया कि मुझे शराबी बना दिया ये जो हल्का 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 सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि मुझे शराबी बना दिया शराबी बना दिया ये जो हल्का 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 हल्का
हल्का हल्का हल्का हल्का हल्का हल्का हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि मुझे शराबी बना दिया कि मुझे शराबी बना दिया कि मुझे शराबी बना दिया कि मुझे शराबी बना दिया। क्या बात है कमाल आज वाकई बहुत ही आनंद आया थैंक यू सो मच इतनी सुरीली आपकी आवाज है उतनी सुरीली लकी भाई की अंगुलियां चल रही हैं सौरभ भाई का गिटार चल रहा है और अभिषेक के बारे में जो कहें उतना कम है छोटी सी उम्र है लेकिन जो उंगलियां इनकी थिरकती हैं तबले पे वाह वाकई कमाल है बच्चे तारीफ के काबिल हैं और ऐसे ही ये भविष्य में आगे बढ़ते रहें और इन पर माँ सरस्वती का माँ शारदा का आशीर्वाद बनता रहे गुरु इनकी जो भी गुरु हैं उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जे जे एन न्यूज़ चैनल को और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्पेशल एंकर मिस्टर दीपांशु कुमार जी को। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी के लिए थोड़ा समय के लिए ब्रेक करते लेकिन फिर से मिलेंगे एक नए अंदाज पे एक नए तरीके से। और मैं अपने दोस्तों को दगड़ियों को भी बताना चाहता हूँ कि वाह दगड़िया में हम ऐसे आर्टिस्ट को लेके आते हैं जो आपके दिल को छूने के लिए या आपके दिल में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो आज आपने सुना हमारे कमाल के परफॉर्मर्स को आर्टिस्ट को तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दर्शकों का कि इतना प्यार आप हमें देते हैं ताकि हम नए नए आर्टिस्ट को आपके सामने लेके आते हैं। और हमें भी आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपका पसंदीदा जो आर्टिस्ट है वो कौन है और किसको आप इस मंच पे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और अपना प्यार यूं ही बनाए रहें, देखते रहिए जे जे एन न्यूज। धन्यवाद। वाह दगड़िया हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ जे जे एन न्यूज पर सिर्फ जे जे एन न्यूज पर।